शुभाशुभं फलैरेवं मोक्ष्यसि कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम कोरोना के ऊपर है और इस श्लोक का अर्थ ये कहता है कि आप चाहे जो करते हो, जो करते हो का मतलब जो भी करते हो उसे बस यही कह लीजिए कि हे भगवान, ये आप ही के लिए कर रहा हूं, ये आप ही मुझसे करा रहे हो, तो आप देख लेना मैं जो भी कर रहा हूं ये गलत हो या सही, ये गलत हो या सही, बस आप ही संभाल लेना इसे। अगर ये सोच करके करेंगे तो फिर उसका फल आपको चिंतित नहीं करेगा। बहुत गंभीर बात बताता हूं, अगर ये सोच करके करेंगे कि हे भगवान आप ही संभाल लो ना, आप ही तो करा रहे हो, तो फिर उसका फल आपको कभी चिंतित नहीं करेगा। मैं मूलतः अर्थ नहीं बताता लेकिन ले वही जाता हूं। देखते हैं आज का कार्यक्रम कैसा बनता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम मंगलवार का है जहां हम आप लोगों के भेजे गए कोरोना के ऊपर लिखे गए लेखों को लेकर के शामिल होता हूं। एक बात बताऊं, बहुत गंभीरता से विचार करिएगा, ये जो हमारे आसपास वयोवृद्ध लोग दिख जाते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके जाने के बाद इतिहास खत्म सा हो जाता है और इनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए इनके पास बैठिए, इसलिए इनको वक्त दीजिए, क्योंकि इनके जाने के बाद बहुत सी चीज़ें लुप्त प्राय हो जाती हैं। वो वक्त जो आप आज से 70 साल पहले नहीं देखे थे उसको वो दिखा जाते हैं, उसको वो बता जाते हैं। इस वजह से कभी भी जो बूढ़ा होने को चल रहा हो, जो बूढ़ा हो रहा हो, चाहे वो हम चाहे वो आप, खुद को वक्त देना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, और जो घर में वृद्ध हैं उन्हें तो माथे पे बिठा करके रखना चाहिए, उन्हें तो माथे पे बिठा के रखना चाहिए, पलकों पे बिठा करके उनको रखिए, क्योंकि वो हैं जो कल आप होने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। आज जिनके लेख को लेकर के आया हूं ये नित्य निरंतर एक प्रबुद्ध दर्शिका हैं। इनका नाम है रूबी भुल्लर, ये पंजाब की हैं, बीएससी आईटी कर रही हैं, ये कंप्यूटर साइंस से इन्होंने अभी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है अपनी, और ये हमारी प्रबुद्ध दर्शिका हैं, रेगुलर हमारा कार्यक्रम ये देखती हैं। इस वजह से आज उनके लिखे लेख को लेकर के उपस्थित हूँ। ईश्वर इनको सफलता दे और जीवन में जो सर्वोत्तम हो वही इन्हें प्राप्त हो, जो सर्वोत्तम हो वही इनके झोले में आए। आइए, इनका लेख बड़ा अजीब है, विचित्र है और समझने लायक है, थोड़ा साइंटिफिक है ये, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी कहानी से कम नहीं है और न ही ये कोई कहानी है, ये वो है जो वास्तव में है। तो शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंतिम हिस्से तक और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा ये कार्यक्रम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद रूबी भुल्लर जी, आपने हम पे इतना भरोसा किया, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। और एक बात और बताता हूँ, तो इन्होंने जो लेख मुझे भेजा हुआ था वो मुझसे कहीं खो गया था, गुम हो गया था, और फिर मैंने जब इनसे संपर्क किया मैंने कहा आप एक बार अगर वक्त निकालें तो फिर से इसे एक बार दोबारा ज़रूर लिखिएगा। उन्होंने मेरा मान कितना रखा सोच के देखिए, अगले ही दिन रात भर जाग करके उससे नए आंकड़े फिर से इकट्ठा किया और फिर जा करके मुझे अगले दिन सुबह में ही ये लेख पुनः भेज दिया। कितना सम्मान है उनका मेरी नज़रों में और मेरे लिए उनकी नज़रों में, ये समझने वाली बात है। ज्योतिषी लक्ष्य चैनल आपका बहुत बहुत अभिनंदन करेगा, हमेशा हम आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि मैंने आपके लेख को और लेख आपकी चयनित की थी और वो गुम हो गया था, फिर से आपने उसे भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपका। शुरू करते हैं।
हम सब जानते हैं कोरोना वायरस ने खौफ के बाकी बीमारियों की गंभीरता को ढक लिया है। दुनिया की कुल जनसंख्या 759.43 करोड़ है और उसमें से अभी तक करीब 25 से 30 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। यह एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इसकी उत्पत्ति और लक्षण सबको पता है। इसके बारे में इस लेख में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इससे बचने का तरीका भी सबको पता है, पर अभी तक साइंस के द्वारा इसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढा नहीं गया है और ना ही इसका इलाज ढूंढा जा सका है। यह एक फ्लू की तरह है जो अपनी संरचना बदलकर उपज जाता है। जब वैज्ञानिकों ने नए वायरस को मरीज के शरीर में सक्षम पाया तो चमगादड़ या पेंगोलिन को लेकर के स्थिति साफ हो गई। ये लेख थोड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन सवाल यह भी है कि जानवर किसी इंसान को बीमार कैसे कर सकता है। अगर बीते 50 सालों के आंकड़े को देखें तो जानवरों से इंसानों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। साल 1980 के समय में बड़े वनमानुषों में आया HIV एड्स, साल 2007 में, 2004 से लेकर के 2007 में पंछियों से होने वाला बर्ड फ्लू, और उसके बाद 2009 में सुअरों से होने वाला स्वाइन फ्लू। जानवरों से आए इन सभी संक्रमणों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और हमेशा से अपना प्रभाव जानवरों ने अपने द्वारा उत्पत्ति किए हुए या अपने से उत्पन्न बीमारियों ने मानवों को प्रभावित किया है। आगे इन्होंने लिखा है, लेकिन बात अगर हाल के सालों की करें तो SARS सबसे खतरनाक संक्रमण के तौर पर सामने आया है। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी SARS चमगादड़ से होता है। पर्यावरण में हो रहा लगातार और तेज परिवर्तन इस संक्रमण के दर को बढ़ा रहे हैं। हर रोज बढ़ते और बदलते शहर, अंतरराष्ट्रीय यात्राएं संक्रमण को बढ़ाने का कारण बन रही है। लेकिन एक प्रजाति की बीमारी किसी दूसरी प्रजाति में कैसे पहुंच जाती है, यह भी एक सवाल है। अधिकांश जानवरों में रोगाणुओं की एक कड़ी होती है। बात समझिएगा, अधिकांश जानवरों में रोगाणुओं की एक कड़ी होती है। उसके शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया बीमारी के कारण बन जाते हैं। इन रोगाणुओं का क्रमिक विकास और जीवित रहने की क्षमता उनके नए होस्ट पर निर्भर करती है। होस्ट उसे जो उस बीमारी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहा है, उसे होस्ट कहा जाता है। एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना इस क्रमिक विकास का ही एक तरीका है। जब यह रोगाणु किसी नए होस्ट के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस नए होस्ट के शरीर में प्रवेश करके उस होस्ट की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली उसे मार कर बाहर करने की कोशिश करती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि एक रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने के साथ ही होस्ट के शरीर में एक इवोल्यूशनरी गेम शुरू हो जाता है। इस खेल में होस्ट और रोगाणुओं के बीच एक दूसरे पर काबू करने की कोशिश होती है। मतलब मान लीजिए मैं होस्ट हूं जो बीमारी का वाहक बन रहा हूं। मेरे ऊपर जब शरीर में और किसी बीमारी का अगर प्रकोप होता है तो मेरे अंदर की जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उससे जीतना चाहती है। यही बात यहां लिखी गई है। यह तो बीमारी फैलने के बारे में बात थी, पर प्रश्न यह भी है कि आज हम खुद को विकासशील और विकसित समझते हैं। जहां साइंस ने बहुत तरक्की की है, आज वह हर काम जो नामुमकिन था साइंस ने कर दिखाया है। विज्ञान ने उसे सही सिद्ध किया है। आज हम सब यही सोचते और चाहते हैं कि विश्व स्तर की शिक्षा हमारे पास हो, हमारे पास हाई स्टैंडर्ड क्लास हो, महीने की सैलरी लाखों से अधिक हो, हमारे पास आज हर वह चीज हो जो हमें सुख सुविधा दे, घर, गाड़ी, पैसा सब हो, और यह सब मुमकिन भी हो रहा है। पर क्या यह सब इतना कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट और खुश हैं? यह सवाल है, यह सोचने वाली बात है। इस वायरस के कारण अब तो स्थिति यह है कि बेटा अपने पिता को कंधा देने से भी संकोच कर रहा है। इतना पैसा और फैसिलिटी होने के बाद भी इटली जैसा देश मृत्यु के बाद श्मशान तक प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अमेरिका जैसे देशों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास हाई क्लास होने के बाद भी हम अपने आप को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा घर होने के बाद भी घर में ही
बंद हो या चाहे जैसी भी स्थिति में हो, अपने ही घर में रहने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी गाड़ी होने के बाद भी अपने जगह से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सब बदलाव ही तो है। अगले ही पल में इन्होंने लिखा है, हमें अभी भी कुदरत के इंसाफ को नहीं भूलना चाहिए। कुदरत हर उस चीज को खत्म कर देती है, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझिएगा, कुदरत हर उस चीज को खत्म कर देती है जो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ज्यादा गर्मी बढ़ जाने पर बारिश हो जाती है। हमें अपनी सुविधाओं के लिए कुदरती चीजों और उसके द्वारा उत्पन्न प्राणियों को बहुत ज्यादा बुरे तौर पर प्रभावित नहीं करना चाहिए। चाहे वह हवा हो, जल हो, वृक्ष हो या फिर जंगली जीव, अब हम इन सबको नष्ट करने का परिणाम तो भुगत ही रहे हैं और भुगतना ही पड़ेगा। अगले ही पल में इन्होंने लिखा है, आज कोरोना वायरस बीमारी ने पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई है और ऐसा इस ब्रह्मांड के विकास के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जो ब्रह्मांड और मानवता के विकास में कहीं भी नहीं हुआ है, मानवता के और सभ्यता के इतिहास में जो चीजें कभी भी नहीं हुई थी वो इस 2020 में देखने को मिल रही है। ये बात भी है, लाखों लोगों की जान चली गई है, हर जगह लॉकडाउन की स्थिति बन रही है और हर जगह लोगों ने बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी पाल रखी है और लोगों में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी देखने को मिल भी रही है। हर कोई इस बीमारी के डर में है। जहाँ इस बीमारी में डिसएडवांटेज देखे जा रहे हैं, वहीं इसके कुछ गुण भी देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन के समय में हम जहाँ अपनी पुरानी रूटीन लाइफ को मिस कर रहे हैं, वहीं बहुत कुछ नया भी एक्सप्लोर हुआ है कर रहे हैं। जैसे सुबह उठकर अपने अपने काम पर जाने के बजाय सबके साथ बैठ करके कोरोना के काल में वक्त बिताने की बात सबसे बड़ी बात है। इस लेख में अगर मैं एक बात देखता हूँ तो दरअसल जिस क्षेत्र से व्यक्ति आया है उसी क्षेत्र को परिभाषित भी किया है। व्यक्ति विज्ञान से जुड़ा है तो विज्ञान की दुहाई दे रहा है, व्यक्ति परमात्मा से बंधा हुआ है, संस्कारों का बंधा है तो उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। ये लेख और दरअसल ये सिर्फ लेख नहीं है, ये हमें आईना दिखाने का भी प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी भुल्लर जी, आप नियमित ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और निश्चित रूप से हम आपका मार्गदर्शन ऐसे ही करना प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने जो बात कही है अपने घर की वृद्ध को लेकर के, और अपने घर में चाहे वो आपकी बात माने या ना माने, हो सकता है उनके देखने का नजरिया अलग हो सकता है आप उन्हें समझ ना पा रहे हैं, पर वास्तव में स्थिति यह है कि हमेशा उन्हें अपने माथे पे बिठा करके ही रखने की बात है हमेशा। तब तक ले इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मेरा मान रखा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।